साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार के जरिए अपना परचम लहराया है। ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से नवनीत सहगल जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनके आज तक का सफर कैसा रहा। चलिए बात करते हैं नवनीत सहगल जी से। सर, ये बताइए कि आज तक का आपके सफर के बारे में आपकी जो जर्नी रही है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी? मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में हूँ, 1988 से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो मैं कभी इस तरफ आया नहीं था। तो शुरू शुरू में बड़ी, आने से पहले भी बहुत ऐसी वो थी कि कैसा होगा प्रदेश, क्या है, लेकिन अच्छा प्रदेश है, काम करने को मिला यहाँ पे। लगभग अब मुझे 32 साल हो गए इस प्रदेश में काम करते हुए। तो मैंने ये पाया है कि अच्छे लोग हैं इस प्रदेश में, और यहाँ काम करने में और जो एक मकसद से हम लोग जो एक सोच के साथ आए थे कि हम जहाँ भी रहें वहाँ कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और समाज में एक अच्छी चेंज ला सकते हैं, तो वो प्रयास किया है जहाँ जहाँ भी मौका मिला है। और ज़्यादातर जगह पे जो नए नए प्रयास किए, जिस भी पोस्ट पे रहे हैं उनमें सफलता भी मिली है, और एक संतोष उससे होता है कि आप लोग जैसे हम हैं, कहीं पर भी अगर हैं और कहीं कुछ डिफरेंस कर सकते हैं, कहीं अंतर ला सकते हैं मौजूदा स्थिति में, तो खुद को भी अच्छा लगता है और एक सार्थकता लगती है कि हाँ आप इस इलीट नौकरी में आए और आपने कुछ ऐसा काम किया जिसको लोगों ने याद रखा, और कुछ ऐसा काम किया जिससे कि समाज में जो है वो समाज ने अंतर महसूस किया। सर, अगर हम आपके बिगनिंग टाइम की बात करें, जो आपका स्कूलिंग टाइम, जो आपका एजुकेशन टाइम था, तो वहाँ पर मतलब किस तरीके से क्या एक्टिविटीज़ रही थी आपकी? नहीं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बाद में 8वीं के बाद जो है वो मॉडल स्कूल था, और 10वीं के बाद जो है वो प्राइवेट स्कूल था, और फिर यूनिवर्सिटी से मैंने तो बीकॉम किया था, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी भी साथ साथ किया। तो उस समय ये था कि जो है वो सिविल सर्विस में एग्ज़ाम देना है, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो तब मेरी उम्र 19 साल की थी। तो ये हुआ कि अभी समय है, 21 साल से कम में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो उसके लिए फिर CA ज्वाइन किया कि चलिए 3 साल में इसको कर लेते हैं। तो 3 साल में मैंने CA करके फिर कंपनी सेक्रेटरी करके मैं अपनी प्रैक्टिस किया करता था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ये था कि जो सिविल सर्विस में आने का एक था कि भाई सिविल सर्विस में आके आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, और सरकार की नीतियों, सरकार के जो निर्णय हैं उसका अनुपालन कराकर आप एक 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 आपको एक संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो जो है उसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था उस जॉब, उस प्रोफेशन में। तो ये सोचा कि एक बार जो है एक बार एग्ज़ाम दे के देखा जाए, और एक ही बार देना था, दूसरी बार नहीं देना था। तो किस्मत अच्छी थी कि वो एक ही बार के एग्ज़ाम में जो है वो सिविल सर्विस में आ गए। तो सिविल सर्विस इसलिए भी था कि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो उनसे उनको देख के लगता रहता था कि हाँ आप सरकारी नौकरी में रह के समाज में, देश में, कहीं भी जिस भी क्षेत्र में आप रहेंगे वहाँ परिवर्तन ला सकते हैं, आप एक एक डिफरेंस ला सकते हैं। तो इसलिए फिर
एक ही बार दिया सिविल सर्विस, दूसरी बार देना नहीं था, तो वो उसमें आ गए, तो फिर वो प्रोफेशन पीछे छूट गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। और लेकिन वो अभी भी जो हमारे मुझे अपने जो जॉब करने में वो मेरी पढ़ाई जो है वो मदद करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ ये सब पढ़े थे, वो सब काम आते हैं, जैसे यूज़फुल। सर आपने जितना भी स्टार्टिंग पीरियड जैसे आपने बिगनिंग की चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिगार्डिंग आपने पहले कि आपके पास टाइम था तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आपने इसमें पढ़ाई की, पर ये था कि सर जो सिविल सर्विस में आने का जो आपका जो डिसीज़न था वो सिर्फ आपका था या आपके घर से मोटिवेट किया कि जैसे पेरेंट्स गाइड करते हैं बच्चों को कि आपको इसमें जाना चाहिए, तो ये नहीं पेरेंट्स तो नहीं है, मैंने ही उनको, तो पहले तो बीकॉम का आइडिया नहीं था, हाँ सिविल सर्विस का तो आइडिया था उनको, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारे यहाँ किसी ने नहीं की थी, किसी को आइडिया नहीं था ये कैसे होता है, तो वो फिर खैर नहीं है, मैंने खुद ही उसमें काम किया। तो इंस्पिरेशन और सपोर्ट तो घर से रहता ही है, फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही, तभी आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन वो खुद ही का था, एक खुद की धुन थी कि ऐसे करना है, तो इसलिए उसको करते रहे उसको आगे कि ठीक है ये भी करना है ये भी करना है। लेकिन हाँ घर से तो सपोर्ट था ही, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है। सर बाकी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो कॉलेज टाइम पीरियड में कभी भी आपने अपनी पर्सनैलिटी के कभी ऐसा कुछ माइंड में आया कि लीडरशिप जैसा कुछ हमें करना चाहिए? नहीं, ये जो हमारी सिविल सर्विस है ये भी तो एक तरह से जो है वो एक तरह से लीडरशिप का ही एक वो है। हम लोग एज कलेक्टर काम करें, एज सेक्रेटरी काम करें, एज चीफ सेक्रेटरी काम करें, तो हमको अपने जो पर्सनल एग्जांपल हैं उनसे लीड ही करना होता है, डिस्ट्रिक्ट को लीड करना है या आप SDM है तो सब डिविज़न को लीड करना है, तो ये स्किल्स तो चाहिए इसमें भी जी। ये अब वो अलग बात है कि कल को कोई सोचे कि पॉलिटिकल उसमें लीडरशिप वही होती है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप तो जो आप सेवा में हैं उसमें भी, जिस भी फील्ड में आप रहें, तो आप लोगों को आपको गाइड करना है, लोगों को आपको दिशा देनी है, तो लीडरशिप तो वहाँ भी आप कर सकते हैं जी। सर बाकी ये था कि आपको ऐसा कौन सी आपकी एक एक्टिविटी है, आपको क्या चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है या बात है जो आपको बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत खुश करती है और आपको सेट करती है, मतलब आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर आपके मन का आपको नहीं, होता ना जो कि लोग फेवरेट होते हैं, जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है हाथ में वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो एक खुद को संतुष्टि होती है, एक खुद को अच्छा लगता है कि हाँ ये मैंने ये कम समय में ये प्रोजेक्ट होना था। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे याद है जब मैं अध्यक्ष जल निगम होता था उत्तर प्रदेश में, तो गंगा का पानी दिल्ली से आगरा जाना था, बहुत दिन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ प्रोजेक्ट बन रहा था, तो वो लोग बार बार कहते थे कि हमको, क्योंकि पानी लेवल से जाएगा हमको पंपिंग सेट लगाने हैं। मैं उनसे लड़ता रहता था कि पंपिंग सेट में कल को बिजली नहीं आएगी तो कैसे करोगे, कल बिजली चली गई ख़राब हो गया तो आप इसको ग्रेविटी पे डिज़ाइन करो कि पानी खुद से चला जाए, आपको पंप ना करना पड़े। तो वो बहुत करते 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 झंझट मैं बहुत अड़ा रहा, तो खैर उन्होंने बना लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आज से तीन चार पाँच साल पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और ग्रेविटी से पानी दिल्ली से आगरा पहुंचा बिना किसी पंप के। तो इस प्रकार के जो एक प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचा और आउट ऑफ बॉक्स सोचा और उस सोच को वो इम्प्लीमेंट किया और जब वो इम्प्लीमेंट हो गया बना हुआ दिखाई देता है तो उसका एक सेटिस्फेक्शन अलग होता है। जब मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, मैंने उनसे सबसे कॉन्ट्रेक्टर से कहा कि भाई अगर ये पानी का गिलास मैं रखूँगा डैशबोर्ड पे और अगर पानी छलका तो मैं जुर्माना लगाऊँगा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है मैं जब भी जाता हूँ, या बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, शुरू में तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया साहब मैं आप ये एक्सप्रेस वे से जा रहा हूँ, वो गाड़ी हिल भी नहीं रही है और बड़ी एकदम से स्मूथ चलती है,
तो यू फील हैप्पी कि हाँ आपका एक क्रिएशन है जिसको कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, निर्णय हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग के साथ आप काम करते हैं, तो वो एक मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। ऑफकोर्स अगर ना सफल हो तो उससे वो तो सैड भी करता है कि भैया ये कर हो नहीं पाया, हम लोग कर नहीं पाए। सर, आपने आगरा एक्सप्रेस वे की बात की, उसके लिए तो सब में वाकई में सब जानते हैं कि एक निश्चित टाइम पीरियड में आपने उस एक्सप्रेस वे को कंप्लीट किया था। सर, उसके लिए कितना मतलब कैसे आपने सारा चीज़ शेड्यूल किया था कि इतने टाइम पीरियड में, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनाना बहुत ईजी नहीं है। वो साइंटिफिक और टेक्निकल कैलकुलेशन हैं, पर चार्ट और क्रिटिकल पाथ मेथड उसको बोलते हैं। तो उससे बाकायदा प्लान करना पड़ा। प्लान ये भी किया कि हमको अगर इसको 22 महीने में बनाना है तो इसकी एक्टिविटीज़ को हमको उसको मैंने पर डे पे डिवाइड किया जी। कि अगर उसमें इतनी मिट्टी डालनी है तो पर डे मिट्टी कितनी डालनी चाहिए, तभी उतने दिन में पूरी होगी। गिट्टी इतनी डालनी है, कब तक होनी है, तो उसी हिसाब से पूरा एक एक्टिविटी को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके उनके शेड्यूल बनाए और शेड्यूल बना के फिर उसको इंसिस्ट किया, मॉनिटर किया कि ठीक है आज आपको 50,000 टन मिट्टी डालनी थी, आपने कितनी डाली, क्यों कम डाली, कल ज़्यादा डालो। तो वो दैट मेड ऑल द डिफरेंस के जो है इट इज़, मैं अपने हिसाब से उसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता हूँ कि मैं हर काम में घुसे रहने की बजाय मैंने उसके मानक तय कर दिए और दिन में एक घंटा दो घंटा समीक्षा कर ली कि बताओ भाई आपको तुमको आज ये करना था, कितना किया, कम किया, क्यों किया, क्या कारण है, कल तक करो। तो उससे ये हेल्प मिली कि उसको हम लोग समय से साल भर पहले पूरा कर पाए। हाँ, क्योंकि सर जिस टाइम ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था उस टाइम तो इसकी प्लेस भी डिसाइड नहीं हुई थी, वो भी फ्री नहीं थी, तो उसके रिगार्डिंग 36 महीने में होना था, हमने 22 महीने में उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो वो तो अपना एक उसकी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि आप उसको एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को उनका टारगेट रख के उसको बड़े वाले के साथ कनेक्ट करो, वही किया। बाकी सर ये था कि आपको हमेशा काम के लिए मतलब बहुत फास्ट काम और काम के लिए जाना जाता है, आपने शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लाए हैं, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह भी आपने लॉन्च की हैं जो पहली बार भारत में आई थी, उनका भी किया था। तो सर इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कौन करता है या सेल्फ आपका कुछ ऐसा? मैं सेल्फ है। अब मैं जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता था तो मुझे याद है हमने देश में पहली बार कैन होता है जो ये पेप्सी का कैन आता है, ये नहीं देश में बनता था जी। तो हमारा क्लाइंट था, उसके साथ मिलके हम लोगों ने ये इसका फैक्ट्री लगाया। फिर ये जो मल्टी लेयर को एक्सट्रूडेड फिल्म आती है जिसमें दूध आता है, ये दूध वाली जो है 2 लेयर आती है लेकिन बहुत सारी में 5 लेयर भी आती है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो पहली बार एक जर्मन की मशीन जर्मनी से मंगा के वो उसको लगाया था। तो ये एक तब से एक धुन है कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ नया करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, जो चीज़ जिस धर्रे पे हो रही उससे ही हट के देखो अगर हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके इंटेंशन सही हैं, अगर आपकी सोच सही है तो ज़्यादातर आप उसमें सफल भी होते हैं। बिकॉज क्या है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर जिस धर्रे पे चलता आया उसी धर्रे पे करते रहना है तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमेशा जो भी जिस धर्रे पे काम होता आया है उससे थोड़ा अलग हट के सोचो कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, बचत कैसे हो सकती है। वो एक सेल्फ मोटिवेटेड है, उसमें कोई किसी का मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो वो मैं अपना करता हूँ, मेरी आदत है वो, मेरे वो कॉन्शियस में ऐसा है। बाकी सर ये है कि जब हम लोग इस तरीके से काम करने लगते हैं तो बहुत सारे राइवल्स हम लोग के क्रिएट हो जाते हैं और उसमें लेग पुलिंग भी होती है। बट मैं कभी इसमें बॉदर नहीं करता हूँ, आई डोंट बॉदर। ठीक है सर, कभी कभी कुछ फेस ऐसा पड़ता है ना, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका अच्छा टाइम पीरियड, कभी कभी ऐसा होता है कि लेकिन देखिए कैसे मैनेज करते थे कि कोई टाइम पीरियड ऐसा आया हो तो कुछ लिखो, किताब लिखो, पढ़ो। PhD कर ली मैंने इस दौरान, तो उसका भी सदुपयोग। देखिए
निराशा में बैठ के उसी पे सोचते रहना कि ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ये अच्छा होता तो मैं, ये होता तो होता नहीं, ठीक है। लाइफ यही है और आप बेहतर लाइफ जी सकते हैं जो जैसी भी स्थिति है उसमें आप इंजॉय करिए, उसमें आप उस काम को देखिए। आपके पास लोगों ने शुरू में मेरे पास, मैं बोर्ड में भी रहा, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रहा, मेरे पास सिर्फ खादी बोर्ड का काम भी रहा, मेरे पास सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी का काम भी रहा, तो मैं वहाँ भी रहा तो मैंने वहाँ भी इनोवेशन की कोशिश की और परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है, मेरी ये फिलॉसफी है लाइफ में, कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम इतना वो नहीं है कि आपको लगे कि ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे से क्या लेना। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो काम सरकार देती है उस काम को आप बेहतर करने की कोशिश करो तो कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपको। क्योंकि सर कुछ टाइम पीरियड ही अभी कुछ ही साल पहले आपका एक एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ आपकी भी, क्योंकि सर जब कोई बहुत इतना ज़्यादा वर्कहोलिक होता है और अचानक से उनको अगर घर में बैठना पड़े तो बड़ा इरिटेटिंग सा फील आता है, तो जो आपका एक्सीडेंट टाइम था तो उस टाइम आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या रहा कि मतलब क्योंकि वो एक्सीडेंट आपका तो, बहुत ही सीरियस। हाँ नहीं तो भगवान ने और सब लोगों की जो है वो दुआ से वापस उसको मैं काम करने में आया, लेकिन वो समय में आप जो है जो रिकवरी फेज़ था, वो रिकवरी फेज़ में तो आपको ज़्यादातर फिजियोथेरेपी हो रही होती थी, कोई दवा लगा रहा होता था, कोई दवा खिला रहा होता था, और जैसे ही मैं इस लायक भी हुआ कि मैं व्हील चेयर पर भी चल सकता था तो मैंने व्हील चेयर पर भी कुछ देर बैठा चला, फिर वो जो है सपोर्ट लेके बहुत देर मैं चलता रहा क्योंकि खाली बैठना तो संभव नहीं था, तो जिस भी काम में भी था, जो भी काम कर रहा था, वो मैंने स्टिक से भी काम चलाया बहुत देर तक, और लेकिन हाँ मुझे सपोर्ट मिला, सभी लोगों का सपोर्ट मिला। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब इतना पॉजिटिव होना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सर ये है कि आपका हमेशा से, जैसे कोई भी सरकार रही हो, आप हमेशा चहेते अधिकारियों में से रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि कई बार ही, क्योंकि आप कई बार से सूचना में रहे हैं, सूचना में कई बार आप नहीं भी रहे हैं, तो ये हुआ कि नहीं आपको बुलाया जाए? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए थे जो जिसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस वगैरह समथिंग बहुत सारा उसमें देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मुझे जो भी सरकार जो काम देती है मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा उसको बेहतर करके दिखाएं और कमिटमेंट रखें और सिंसियरिटी रखें, क्योंकि मैं कभी भी मुझे अगर सबसे मेरे लिए कष्ट की बात यह है कि सामने वाला अगर मुझे ये कहे कि मैं अपने काम में माहिर नहीं हूँ या मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो मुझे उससे कष्ट होता है कि यार ये कैसे है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं इसको बेहतर कर पा रहा हूँ। तो मुझे जो भी सरकार जैसा काम देती है मैं वो काम करता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी कोई महसूस नहीं होती कि ये कोई काम बहुत अच्छा है या कोई काम बहुत छोटा है या कोई बड़ा है, नहीं, जो भी काम दिया जाता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उस काम को कोई दूसरा भी कर रहा तो उससे बेहतर कर सकूं, और यही एक मेरी कोशिश रहती है, मैं सिर्फ इसी में विश्वास करता हूँ। सर आप कई विभागों में, अलग अलग विभागों में रहे हैं, तो आपका सबसे फेवरेट विभाग कौन सा रहा है जिसमें आपको काम करने में लगा कि नहीं ये? मैंने कई विभागों में काम किया, बहुतों में अंतर भी लाया, बिजली बोर्ड में मैं था तो काफ़ी हम लोगों ने चेंजेस किए और बहुत नई चीज़ें लाए जो कि अभी रिकॉर्ड हैं, वो कोई हो नहीं पाया। फिर एक्सप्रेसवे भी बनाया, फिर मैं ये अभी मेरे पास सूचना भी है, खादी में भी हमने काफ़ी चेंजेस किए, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई फेवरेट हो या नहीं फेवरेट हो, जो अच्छा है काम उसको, जो भी काम मिले उसको करना है। सर एक प्रोजेक्ट आपका रहा था जो योगी सरकार में आपको मास्क मैन के नाम से डिनोट किया जाता है, बताया, बोला जाता है, तो उसको कितने टाइम पीरियड में कैसे आपने कवर अप किया? नहीं वो ये हुआ था कि
जो पिछला वेव आया था, फर्स्ट वेव आया था, तो उसमें तुरंत मास्क की जरूरत थी, तो और सस्ते मास्क, ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करें कि वो मास्क पहने, उन्हें आदत डालें, तो उसके लिए खादी के मास्क बनाने का एक चला था। तो फिर हम लोगों ने अपने जो खादी की इकाइयाँ थी उनसे कपड़ा बनवा के और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो विमेन के उनको दिया, उन्होंने उसका उसके मास्क बनाए, मास्क बना के हम लोगों ने उसको बांटे रूरल एरिया में, इधर उधर फ्री में उन्होंने, सरकार ने बंटवाए थे। तो उस समय एक अभियान चलाकर हमने बहुत सारे मास्क बना दिए थे जी। तो उससे ये लोगों ने ऐसा बनाया, मैं तो उसको नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई काम था, लेकिन हाँ लोगों ने सोचा। लेकिन आइडिया ये था कि उस समय जो है खादी के मास्क जो है वो बनवाए जाएं, तो खादी के मास्क हम लोगों ने खूब सारे बनवाए थे जी। सर आपके कई और प्रोजेक्ट्स में से जो भी आपने शुरू किए हैं उनमें से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नहीं ये मैंने शुरू किया, ये मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। हाँ पर मेरे मुझे बीच में रखा, ये 2018 तो, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच है उनकी कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो है जी। मैं मुझे इसलिए इसमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले जब मैं भारत सरकार में था तो हमने इसी तरह के एक सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम किया था भारत सरकार में, तो उसमें हम पंचायत को जोड़ रहे थे, पंचायत के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ रहे थे। तो जब मुझे दिया गया तो ये मुझे इसमें काफ़ी मेरी पर्सनल भी एक रुचि है कि हाँ ये हमको हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, तो मुझे दिया गया तो मैं तब से इसको इसमें इनोवेशंस करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रदेश में हमारा एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में बहुत अच्छा बढ़ गया, नई इकाइयाँ आ गई, लोगों को ट्रेनिंग दे दी, इसमें हम लोगों ने इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये चूँकि मुझे मेरे इंटरेस्ट का है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें उनकी सोच थी कि इसको ऐसे ही चलाना है, तो हम लोग इसको पुश कर रहे हैं और इसमें इनोवेशंस ला के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाकर हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है, बहुत बड़ा अंतर ला सकता है ये प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। सर इस रिगार्डिंग कुछ क्या ट्रेनिंग पीरियड भी, मतलब कुछ ट्रेनिंग्स भी रखी गई हैं? हाँ हम हर साल ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, ट्रेनिंग कराते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, उनको अभी हम लोगों ने पैकेजिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब में इनोवेशंस कर करके उनको जोड़ा है, ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ा है अपनी एक हमने ई मार्केट प्लेस बनाया है, हम आजकल वर्चुअल एग्जीबिशन से जोड़ रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट स्कीम में पिछले साल रिकॉर्ड लक्ष्य से भी अधिक इकाइयों को हम लोगों ने फाइनेंस कराया है। तो ये सारी जो है ये एक होलिस्टिक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या इतना समझ पाते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग करना है, किस तरीके से? नहीं तो उसी के लिए हम लोग उनको हैंड होल्ड कर रहे हैं ना जी, तो वहाँ पर्टिकुलर कोई पर्सन अपॉइंट कर नहीं, हमारे तो सब जगह पे हमारे ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट में वो अधिकारी रहते हैं उनके यहाँ नीचे हम लोगों ने अर्नस्ट यंग और ये वो ऐसे और लोग रखे हुए हैं और प्रोफेशनल्स की सपोर्ट ली हुई है, प्रोफेशनल की सपोर्ट के साथ उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये उनको हम मॉडर्न ट्रेनिंग देते हैं, फिर मॉडर्न टूल किट भी देते हैं, मॉडर्न उनको औजार भी देते हैं और उनको फिर अगर आवश्यकता पड़ी लोन भी देते, ला के उनकी इंडस्ट्री लगाते हैं, जो लगी हुई इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या हो सकता है वो कराते हैं उनको, बड़ी टेक्नोलॉजी के हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना के दे रहे हैं, फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसमें पैकेजिंग कैसे बेहतर हो सके, वो मार्केटिंग कैसे बेहतर करें, उनको सब तरफ से जोड़ते हैं। तो हम लोग हैंड होल्ड कर रहे हैं शुरू से ही, प्रोजेक्ट बनाने प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक, फाइनेंस भी आता है, सब चीज़ उसको हम बैंक से कवर कराकर और पूरा एक होलिस्टिक पैकेज दे रहे हैं ताकि उस प्रोडक्ट को वो आगे बढ़े और उसकी सेल्स बढ़े। और इसी का नतीजा मैंने जैसे बताया प्रदेश से लगभग 3 साल में 38% निर्यात बढ़ा है और उसमें 80% जो है निर्यात का हिस्सेदार हमारा ODOP है। सर इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? नहीं इसमें बहुत हैं, हमारे पास लगभग काफी स्टेट, कितने स्टेट तकरीबन आ चुके हैं? नहीं हमारे स्टेट तो है उत्तर प्रदेश में, लगभग हमारे यहाँ 80 लाख इकाइयाँ हैं
और जो हमारी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी इकाइयाँ हमसे जुड़ी हुई हैं, हम डेटाबेस भी बना रहे हैं आपको देंगे। जी जी जी। बाकी सर अभी जो कोविड 2020 से जो कोविड काल चल रहा है और मतलब जितना सब कुछ पूरा सिस्टम हिला हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहली लहर आई थी उसमें भी सबसे बेहतर प्रबंधन किया, बीमारी का भी किया, फिर प्रवासी भारतीय आए थे 45 लाख उनका भी किया, उनको रोज़गार भी लगाया, अपनी इंडस्ट्री को भी देखा, इकोनॉमी को भी देखा और सबके लिए व्यवस्थाएं की और पूरे देश में एक मॉडल के रूप में वो निकला। अभी फेज़ टू में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम किया है और ये संक्रमण लगभग पिछले संक्रमण से 20 से 30 गुना ज़्यादा है, फिर भी आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो एक पीक आया था 30 अप्रैल को, उस पीक से अब आज 20% मामले रह गए हैं, 80% से पीक के मामले ख़त्म हो गए हैं और टेस्ट हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, टेस्ट बढ़ रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, हमारे पॉजिटिविटी रेट अब 1% से भी नीचे चली गई है, हमारी जो जो ठीक होने की रेट परसेंटेज है वो 95% से ऊपर चली गई है। तो ये भी इस सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक मॉडल के साथ एक एफिशिएंट स्टेट के रूप में उभर के आया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है उनका पर्सनल विजन है, वो पर्सनल एफर्ट है, मेहनत है जो कि उनकी प्लानिंग है जो कि फेज़ टू को में भी उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर वन बना रही है। सर ये जो अभी अभी दर में जो ये इन्फेक्टेड होने में जो दर में कमी आई है वो आंशिक लॉकडाउन की वजह से लगता है कि ये पूरा है, ये पूरा देखिए 3T फॉर्मूला है, एग्रेसिवली ट्रेस करना, टेस्ट करना, ट्रीट करना और उसके साथ कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण भी हमारे यहाँ सबसे अधिक हो रहा है, लगभग 1,70,00,000 दो टीके की दवाई दी जा चुकी है और कोरोना आंशिक कोरोना कर्फ्यू का फ़र्क पड़ा है, उसने बहुत हेल्प किया इन द सेंस के लोगों का मूवमेंट रुका है, ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हुई है। तो ये जो 3T प्लस कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन, ये 5 जो अंश है इन्होंने मिलके जो है ये कोरोना का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये 5 निर्णय हैं और उन्हीं के निर्देशन में और वो स्वयं प्रतिदिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुशीनगर और देवरिया के दौरे पर हैं, खुद गांव-गांव जा रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये सारों का जो है नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर के आया है, देश में नंबर 1 पे। जी बाकी सर ये है कि आप अपना आपका जितना भी कार्यकाल है अभी जो भी टाइम पीरियड, आप और क्या क्या इन फ्यूचर करना चाहते हैं जो आज तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं? नहीं, मैं तो जो सरकार काम देगी वो करेंगे, मेरा कोई पर्सनल तो है नहीं। जी जी। अच्छा एक सर ये जानना चाहूँगी कि जो आपका जो सक्सेस ग्राफ है उसके लिए क्या आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे, आप अपने फैमिली में या? नहीं तो ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट तो बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल पर्सन के पीछे वो तो फैमिली तो कह रही है, वो भी बिकॉज उनको भी जब मैं काम के सिलसिले में बिजी रहता हूँ तो उनको परेशानी होती है, सफर करते हैं, बट दे सपोर्ट, उनको भी खुशी होती है। जी। तो नहीं टोटल फैमिली सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी सर एक लास्ट एक मैसेज मैं चाहूंगी कि कोरोना पे आप एक मैसेज अपने। नहीं कोरोना पे तो मुझे यही कहना है कि भाई सब लोग जागरूक रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़भाड़ में न जाएं और टीकाकरण अवश्य करें। टीका किसी प्रकार से जो वैक्सीन है वो किसी प्रकार से नुकसान नहीं देता है, आपको बचाएगा, वायरस से बचाने का एक बहुत बड़ा वो है माध्यम है टीकाकरण, मास्क का उपयोग, हाथ धोते रहें, भीड़भाड़ से बचें। आज के शख्सियत प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।